साथियों नमस्कार, मैं इतीश मोहम्मद गोरी, व्याख्या का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मीठड़ा ब्राइट बाड़मेर के डिजिटल एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कोरोना काल में जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो मानव तंत्र कक्षा 10 का अध्याय 2 है। इसके 3 पार्ट अपने पहले कर दिए थे, इसका 4th पार्ट आज है। तो 3 पार्ट तक हमने ये करा था कि श्वसन तंत्र की संरचना क्या है। तब बात आगे आती है कि हमारे फेफड़ों में सांस अंदर कैसे आती है, कैसे जाती है। इस क्रिया के अंदर कुछ मांसपेशियां कार्य करती है और उन मांसपेशियों में से एक मांसपेशी का नाम है अंतर्जरायुक पेशियां या इंटरकोस्टल पेशी, और दूसरी है डायफ्राम। क्या है डायफ्राम? डायफ्राम जैसे मेरे साथियों ने यहाँ पे बनाया है, ये डायफ्राम है। ये डायफ्राम की आकृति में परिवर्तन होने से इस वक्ष गुहा के आयतन में परिवर्तन होता है। और दूसरी है पसलियां। पसलियां जो है वो उनके बीच में पेशियां होती है जिनका नाम है इंटरकोस्टल पेशी या अंतर्जरायुक पेशियां। जब ये पेशियों में संकुचन होता है तो ये पसलियां ऊपर आ जाती है और डायफ्राम है वो संकुचित होके चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन है वो बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का जैसे आयतन बढ़ेगा तो वक्ष गुहा का दाब कम हो जाएगा, वायुमंडल से वायु फेफड़ों के अंदर आ जाएगी क्योंकि वायुमंडलीय दाब ज्यादा होता है। अब दूसरी प्रक्रिया भी ये होता है कि इस इंटरकोस्टल पेशी में शिथिलन होता है, डायफ्राम है वो अपनी स्टॉप लाइन या गुंबद के आकार का होता है और वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, दाब बढ़ जाता है और इन फेफड़ों के अंदर जो वायु भरी हुई है वो बाहर आ जाती है। इस तरीके से ये श्वसन पेशियां हमारे इस कार्य को संपन्न करती है। अब अगली प्रक्रिया है कि श्वसन क्रिया का विज्ञान क्या है। तो श्वसन क्रिया के अंदर ऋणात्मक दाब प्रवणता कार्य करती है जो डायफ्राम और वायुमंडल के मध्य कार्यरत रहता है, जिससे वायु है वो फेफड़ों में आती है और फेफड़ों से बाहर निकलती है। तो इसमें 2 भाग में इसको बांटा गया है, पहला है बाह्य श्वसन और दूसरा है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन का तात्पर्य है कि हमारे फेफड़ों की कुपिकाओं के अंदर जो रक्त भरा हुआ है वो जो फेफड़ों की कुपिकाओं के अंदर जो वायु भरी हुई है वो और उस कुपिकाओं की दीवार के नीचे जो रक्त केशिका है, इन रक्त केशिकाओं के रक्त के मध्य जो गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कुपिकाओं से ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है और रक्त से CO2 कुपिकाओं में आ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं बाह्य श्वसन कहते हैं। दूसरा है आंतरिक श्वसन। इसमें रक्त जो ऑक्सीजन लेके फेफड़ों से या कुपिकाओं से शरीर में जाता है, तो शरीर में जब वो उत्तक के अंदर पहुंचता है रक्त केशिकाओं के रूप में रक्त, तो वहां उत्तक द्रव और कोशिकाओं के मध्य जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसे हम आंतरिक श्वसन कहते हैं। तो साथियों इसी के साथ पाठ्य पुस्तक के अनुसार हमारा श्वसन तंत्र का जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है और रक्त परिसंचरण तंत्र हमारा शुरू होता है। तो अगर हम रक्त परिसंचरण तंत्र की चर्चा करें तो रक्त परिसंचरण में कई भाग है, जैसे रक्त है, रक्त केशिकाएं हैं और हृदय है और लिम्फ या लसिका है। तो उसमें से हमारा सबसे पहला भाग है रक्त। रक्त जो है वो एक तरल संयोजी उत्तक है और इस तरल संयोजी उत्तक का pH 7.4 हल्का क्षारीय होता है और हमारे इस रक्त का निर्माण है वो लाल अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। और अगर बच्चा भ्रूणी अवस्था में होता अपने माँ के गर्भ में तब इस रक्त का निर्माण पिलिया करता है, जिसको पिली भी कहते हैं या इंग्लिश में उसको स्प्लीन कहते हैं। तो साथियों अब हम आते हैं रक्त पे। तो रक्त को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है, पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा है वो हमारे रक्त का 55% भाग बनाता है। कितना प्रतिशत भाग? 55% भाग बनाता है और प्लाज्मा खुद का 92% भाग जल होता है और 8% भाग इसमें कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लवण, और अकार्बनिक भाग में लवण जैसे कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, Na+, Cl- ये सारी चीजें होती है। अब जो रक्त है वो रक्त हमारे
रक्त का 45% भाग है वो रक्त कोशिकाएं बनाती है। रक्त कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी कि बीजाणु। अब उसमें से सबसे पहले हमारी आरबीसी है, ये उपयोग अवतल होती है, यानी कि ये दोनों तरह से बीच में से चपटी और किनारों पर चौड़ी, जैसे अवतल लेंस जो होता है उसकी तरह दोनों तरफ से अवतल होती है। और आरबीसी के अंदर स्तनधारियों के अंदर केंद्रक नहीं होता, बाकी सभी आरबीसी में केंद्रक होता है। और स्तनधारियों में भी लेमा यानी कि बिना कुबड़ वाला ऊंट और मस्क दिया यानी किस्तूर हिरण में भी आरबीसी में केंद्रक होता है, बाकी किसी स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। आरबीसी का रंग लाल रंग का होता है, इसलिए इसे लाल रुधिर कणिका भी कहते हैं। उसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, उसके बाद ये मर जाती है और यकृत या प्लिया में जाके इसको नष्ट कर दिया जाता है। तो यकृत को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इसकी संख्या मनुष्य के अंदर 4.5 से 5.5 लाख घन प्रति घन मिलीमीटर होती है। और अब इसका मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन और का परिवहन करना है ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में। साथियों, अब हमारी दूसरी रक्त कणिका है वो है डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को हिंदी में कहते हैं श्वेत रुधिर कणिका है। इसका निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा करता है। और डब्ल्यूबीसी के अंदर या श्वेत रुधिर कणिका के अंदर केंद्रक होता है। अब ये कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव में कैसा कोशिका द्रव है इसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, ग्रैनुलोसाइट या कणिका में और अग्रैनुलोसाइट यानी कि अकणिका में। ये है कणिका में और ये है अकणिका में जी। तो कणिका में जो या ग्रैनुलोसाइट है इसके कोशिका द्रव में कणिकाएं होती है और इसको अभिरंजन के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। जैसे इओसिनोफिल, ये अम्लीय रंजक से रंगी जाती है इसलिए इसको इओसिनोफिल कहते हैं। दूसरी है बेसोफिल, क्षारीय रंजक से रंगी जाती है। और तीसरी है न्यूट्रोफिल, ये अम्लीय है ना क्षारीय, दोनों रंजक से नहीं रंगी जाती इसलिए इसको न्यूट्रोफिल कहते हैं। हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी होती है उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होती है। कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल होती है। अब साथियों हम बात करते हैं अग्रेनुलोसाइट की या अकणिका में। इसके अंदर दो भाग होते हैं, लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट। तो उसमें से पहले हम लेते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट है वो हमारे शरीर को प्राथमिक प्रतिरक्षित कोशिका है। हमारे शरीर में कोई भी प्रतिजन सबसे पहले घुस जाता है तो उससे पहले सबसे पहले लड़ने वाली यही होती है। और इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है, बीटा या बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट और तीसरी है मारक लिम्फोसाइट कोशिकाएं या किलर लिम्फोसाइट कोशिकाएं। अब अगला है मोनोसाइट। हमारे ऊपर कोई संक्रमण हो जाता है तो वो मोनोसाइट सबसे पहले महाभक्षक कोशिकाएं या मैक्रोफेज में रूपांतरित होके उसके प्रतिजन की क्रिया करके और एंटीबॉडीज बनाती है। अब साथियों हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी है वो 10 से 20 हजार प्रति मिली घन मिलीमीटर क्यूबिक होती है और इसका जीवन काल 1 से 3 सप्ताह तक होता है। उसके बाद आते हैं बीमारों पर जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। इसका संख्या हमारे शरीर में 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है और इसका जीवन काल 10 दिन होता है। और इसका मुख्य कार्य जो रक्त का थक्का बनाना, अगर हमारे शरीर में कोई घाव या चोट बन जाती है वहां से खून बह रहा है तो उस जगह पर ये थ्रोम्बोसाइट बीमारु कोशिकाएं या प्लेटलेट्स है वो रक्त का थक्का बनाती है। तो साथियों इसी के साथ आज की हमारी क्लास की चर्चा पूरी होती है। अगली क्लास में फिर हम चर्चा करेंगे। हमारे डाइट बारमेंट के डिजिटल एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।